बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े की मुख्तसर तारीख़। फ़लस्तीन की सरजमीन एक सदी से कुछ अरसा कबल सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। पहली जंग अजीम के दौरान जैसे ही सल्तनत ज़वाल पज़ीर होकर ख़त्म हुई, तुर्की एक जमहूरी मुल्क बन गया और फ़लस्तीन पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। 1917 में बरतानिया ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर जेम्स बालफोर की तरफ से लियोनल वाल्टर रोथशाइल्ड को लिखे गए खत में इसराइल के लिए राह हमवार करते हुए फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी सरजमीन के लिए हिमायत का इजहार किया। बालफोर एलामिया में अरबों के तहफ़ुज़ का भी मुतालबा किया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे मौजूदा गैर यहूदी बरादरियों के शहरी और मजहबी हकूक को नुकसान पहुँचे। फिर भी इसमें उनके सियासी या कौमी हकूक का जिक्र नहीं किया गया। जब फ़लस्तीन पर बरतानवी मंशूर शुरू हुआ तो यहूदियों की आबादी 9% थी। बरतानवी अलाउंस के तहत यूरोपीय यहूदियों की हिजरत के साथ 1922 से 1935 के दरमियान ये तादाद बढ़कर 27% हो गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान होलोकास्ट, जिसमें 1940 की दहाई में नाजी हुकूमत ने यूरोप में यहूदियों का कत्ले आम शुरू किया था, यहूदियों के लिए एक बड़ी वजह बन गया कि वो बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करें। इस दौरान ये हकीकत भी नज़रअंदाज कर दी गई कि 1939 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत की एक दस्तावेज़ में कहा गया था कि फ़लस्तीन में सालाना 10,000 अफराद ही हिजरत कर सकेंगे। इसमें हंगामी हालात को इस्तिस्ना हासिल था। दूसरी आलमी जंग के बाद 29 नवंबर 1947 को अक्वामी मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद पास करके फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों के दरमियान तकसीम करने का फ़ैसला किया और इसराइल का क़याम अमल में आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त लिखा था कि अरब मंदूबीन का वाक आउट इस वाज़े इशारे के तौर पर लिया गया था कि फ़लस्तीनी अरबों का असम्बली के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसराइल की वजारत खारजा ने नोट किया कि 14 मई 1948 ईस्वी को जिस दिन फ़लस्तीन पर बरतानवी मंशूर की मियाद ख़त्म हुई, यहूदी अवामी कौंसल तल अबीब के अजायब घर में जमा हुई और रियासत के क़याम का ऐलान करते हुए उस ऐलान की मंजूरी दी। इसराइल इस नए मुल्क को अमेरिका ने उसी रात तस्लीम कर लिया था, जबकि सोवियत यूनियन ने 3 दिन बाद। इसराइल की बुनियाद इसराइल और पड़ोसी अरब ममालिक के दरमियान एक भरपूर जंग का बायस बनी जिसमें इसराइल फतह याब हुआ और उसका इख्तिताम इस तरह हुआ कि अक्वामी मुत्तहिदा की इब्तदाई मंसूबे से ज़्यादा ज़मीन उसके हिस्से में आई। फ़लस्तीनी इसे अनकबा कहते हैं जिसका मतलब है तबाही, क्योंकि इसराइल की फतह फ़लस्तीनी कम्युनिटी के तकरीबन 7 लाख अफराद के बड़े पैमाने पर नकल मकानी का बायस बनी थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1949 ईस्वी और 1960 ईस्वी की दहाइयों के दरमियान 10 लाख तक यहूदी पनाह गजीन और तारकीन वतन के साथ होलोकास्ट से बच जाने वाले इजाफी 2.5 लाख अफराद इसराइल हिजरत कर गए थे। 1959 में यासिर अराफात और उनके दोस्तों ने इसराइली कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत के लिए एक छोटे से खलीजी मुल्क कुवैत में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप अलफतेह कायम किया। 1964 में अराफात और दीगर फ़लस्तीनी लीडरों ने इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद मज़ाहमत कायम करने के लिए फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बनाने के लिए अफवाज में शामिल होने का फ़ैसला किया। 1967 ईस्वी में इसराइल, मिस्र, उर्दन और शाम के दरमियान 6 रोज़ा जंग छिड़ गई। इसराइल ने मशरकी यरूशलम, मगरबी किनारा, गजा, गोलान की पहाड़ियों और सीनाई पर कब्ज़ा कर लिया। 1973 ईस्वी में एक बार फिर जंग हुई जिसे अक्टूबर अरब इसराइल जंग कहा जाता है। मिस्र और शाम ने यौम किपूर की मजहबी तातील पर इसराइल के खिलाफ जंग की।
दोनों फरीकैन ने माह के आखिर में जंगबंदी के मुआहदे की कोशिश की और अमेरिका ने मुज़ाकरात में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। 13 नवंबर 1974 ईस्वी को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में PLO के उस वक्त के रहनुमा यासिर अराफात ने दहशतगर्द के लेबल को मुस्तरद कर दिया था और अक्वामे मुत्तहिदा से मशरिक़े वुस्ता में अमन के अमल को आसान बनाने में मदद की अपील की और कहा, आज मैं एक हाथ में जैतून की शाख और दूसरे में आज़ादी पसंदों की बंदूक लिए आया हूँ। मैं दोहराता हूँ कि जैतून की शाख को मेरे हाथ से गिरने ना देना। पहला इंतफाजा यानी फ़लस्तीनी शोरश उसके बाद शुरू हुई, जिसे इसराइली एक हादसा कहते हैं और फ़लस्तीनी इश्तियाल अंगेजी। 8 दिसंबर 1987 को एक इसराइली आबादकार ने, जिसकी शनाख्त हर्जल बोकीज़ा के नाम से हुई, उसने इसराइल के दरमियान अरीज यानी बैत चेक पॉइंट से घर वापस आने वाले फ़लस्तीनी कारकुनों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और गजा में जबलिया और मगी में 4 कारकुनान एक दहशतगर्दाना हमले में मारे गए। इसके बाद एहतजाज और तशद्दुद फूट पड़ा, जो ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद ख़त्म हुआ। जैक ब्योचेंप ने वोक्स के लिए लिखते हुए नोट किया कि पहला इंतफाजा फ़लस्तीनियों के मुजाहरों का एक बड़े पैमाने पर बेसाख्ता सिलसिला था। गैर मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ जैसे बड़े पैमाने पर बायकाट और फ़लस्तीनियों का इसराइल में काम करने से इनकार और इसराइलियों पर पत्थरों से हमले वगैरह। इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट अंडरस्टैंडिंग यानी IMEU के मुताबिक मकबूजा इलाकों में इंसानी हकूक के लिए इसराइली इंफॉर्मेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक पहले इंतफाजे में फ़लस्तीनियों के हाथों तकरीबन 150 इसराइली हलाक हुए, जबकि इसराइली अफवाज ने 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। ओस्लो मुआहदा। अक्टूबर 1991 में स्पेन ने मैड्रिड में एक अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसकी मुश्तरका मेज़बानी अमेरिका और सोवियत यूनियन ने की। उसने इसराइल, लबनान, शाम, उर्दन और फ़लस्तीन के नुमाइंदों को इकट्ठा किया। 1992 में वाशिंगटन और मास्को में मुज़ाकरात जारी रहे। जैसा कि अमरीकी महकमे खारजा नोट करता है, 1993 तक वाशिंगटन मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके थे और इसराइल फ़लस्तीन और इसराइल उर्दन के खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म हो गए थे, जिसने इसराइली फ़लस्तीनी उसूलों का एलामिया यानी नाम निहाद ओस्लो मुआहदा तैयार किया। सितंबर 1993 का और अक्टूबर 1994 का इसराइल उर्दन अमन मुआहदा। 1993 में इसराइली वज़ीर आज़म यत्ज़ाक रबिन और फ़लस्तीनी लिबरेशन आर्गनाइजेशन यानी PLO के रहनुमा यासिर अरफात ने ओस्लो एलामिया पर दस्तखत किए थे। अगले साल अरफात ने फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी कायम की, जिसके तहत इसराइल को गजा के बेशतर हिस्से और मगरबी किनारे के शहर जेरिको से निकल जाना था। 1994 में उर्दन और इसराइल ने अक्टूबर में अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि दिसंबर में रबिन, अरफात और इसराइली FM शमून पेरिस मुश्तरका नोबेल अमन इनाम याफ्ता बन गए। यत्ज़ाक रबिन को 1995 में एक इसराइली इंतहा पसंद ने कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से पेरिस वजीर आज़म बना। न्यूयॉर्क में डीन एफ्रोन की किताब का जायज़ा लेते हुए डेकिस्टर फ्लिकिंस लिखते हैं, जैसे ही ओस्लो के अमल का आगाज़ हुआ, रबिन के मुस्तकबिल के कातिल येगल आमिर का यकीन पुख्ता हो गया कि रबिन इसराइलियों और ख़ास तौर पर आबादकारों को बेच रहा है। उसने रेलें निकाली, मकबूजा इलाकों ने मुआहदों की मजम्मत की और यहाँ तक कि अपनी मलेशिया शुरू करने की कोशिश की,
दूसरा इंतफादा 2000 ईस्वी और 2005 ईस्वी के दरमियान हुआ, जो पहले से ज़्यादा पुरतशद्दुद था। अमन मुज़ाकरात टूट चुके थे और इसराइल और फ़लस्तीन एक दूसरे से होशियार थे। IMEU के डेटा के मुताबिक इसमें इसराइल के हाथों 4,878 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, जबकि फ़लस्तीन के हाथों 1,043 इसराइली मारे गए। इसराइल को अमरीकी मराआत। सितंबर 2014 में अमेरिका ने इसराइल के लिए $38 बिलियन के 10 साल फौजी इमदाद के मंसूबे पर दस्तखत किए थे। राइटर्स के मुताबिक ये अमेरिकी तारीख में इस किस्म का सबसे बड़ा मुआहदा है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों और उनके हामियों को मायूस करने के लिए यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। उसने अमरीकी सफारतखाना तल अबीब से मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मार्च 2018 में ट्रंप ने ट्वीट किया, 52 साल बाद अब वक्त आ गया है कि अमरीका गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की खुद मुख्तारी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे, जो इसराइल की रियासती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है, जबकि तुर्की और आलमी बरादरी ने उसकी मजम्मत की। इसराइल ने मकबूजा ज़मीन पर मज़ीद गैरकानूनी बस्तियां तामीर की और एक बस्ती को ट्रंप से मौसूम कर दिया। ट्रंप की नाम निहाद डील ऑफ द सेंचुरी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा 2018 में जारी रहा। 2019 में इसराइल में मुतादिद इंतखाबात हुए, जिनमें मौजूदा बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेंटिस के दरमियान कोई वाज़ेह फातह नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्च 2020 ईस्वी में तीसरे इंतखाबात हुए। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशरक़ वुस्ता के अमन मंसूबे की नकाब कुशाई से कब वाइट हाउस में नेतन्याहू और गेंटिस की मेज़बानी की। इस मंसूबे को फ़लस्तीन अरब लीग और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने यकसर मुस्तरद कर दिया था।